बिहार सरकार द्वारा आयोजित समेकित बाल विकास परियोजना के द्वारा आज सिवान के VIP मार्ग में आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया। वहीं इस मौके पर वार्ड नंबर 12 के नगर पार्षद इरफान अली भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ले में आंगनबाड़ी के केंद्र खुल जाने से उन बच्चों को काफ़ी सहूलियत होगी जो इधर उधर खेलते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जी मैडम, आज आपके द्वारा यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ है सिवान के VIP मार्ग में, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि बिहार सरकार के द्वारा जो ये रिक्ति निकाला गया था उसमें सेविका और सहायिका का चयन हुआ है और यहाँ के जनता को विशेष लाभ मिले ICDS के तरफ से। और आसपास के लोगों से जो बच्चे इसमें खास कर पढ़ने आते हैं तो क्या अपील करेंगे गार्जियन से? यही मैं कहूँगी कि बच्चे को समय से यहाँ भेजे, साफ सफाई में है ना, और यहाँ आकर बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा की जो तैयारी होती है वे बच्चे हमारे अच्छे से प्राप्त करें। जी इरफान जी, आज आपके वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो हम मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने अपना टाइम को निकाल के यहाँ उद्घाटन में शामिल हुई। और हमारे वार्ड में पहले आंगनबाड़ी से नहीं केंद्र नहीं था, अभी हाल फिलहाल में दो जगह पर चयनित किया गया, एक VIP मार्ग में और एक सामुदायिक भवन टोली में। तो वहाँ अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, यहाँ ओपनिंग आज हुआ है। और हम अपने वार्ड के सभी वार्ड में घूम के बोलेंगे सभी से, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने का जो सिस्टम होता है यहाँ से स्टार्ट मतलब होता है, बच्चे लोग आकर अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसका लाभ उठाएं, सरकार का दिया हुआ केंद्र सरकार इसका लाभ उठा सके। क्या लग रहा है शिक्षा के उद्देश्य से देखा जाए तो यहाँ आंगनबाड़ी की जरूरत था भी, अभी खुल जाने से लोगों को लाभ मिलेगा? अब पहले नहीं था, अब है तो उसका लाभ वार्डवासियों को मिलेगा। और छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं अपना खेलने का समय रोड में जो बिताते थे वो आके आंगनबाड़ी में अपने पढ़ाई पे समय निकालते हैं, स्कूल आने जाने का यहाँ से सिस्टम चालू हुआ। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ है, आपके यहाँ क्या कुछ कहना? आज बड़ी खुशी की बात है, बिहार सरकार के द्वारा समेकित बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हमारे मोहल्ले में हुआ है, जिसमें सेविका का नाम शिफा परवीन, सहायिका रिजवाना खातून, आंगनबाड़ी केंद्र कागजी मोहल्ला VIP रोड सिवान वार्ड नंबर 12 कोड 196 यूनिट 232। और हम इस योजना से बहुत खुश हैं कि हमारे गली मोहल्ले के जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलेगा। शिक्षा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बगैर शिक्षा का जीवन का कोई भी काम हम सुचारू ढंग से नहीं कर सकते। ये बड़ी सराहनीय कदम है बिहार सरकार के द्वारा कि आम जनता के हित के लिए शिक्षा को सर्वोच्च बनाया। गली मोहल्ले, दलित बस्ती हो, गरीब बस्ती हो, जहाँ तक के अभी शिक्षा नहीं पहुँचा है उसके लिए शिक्षा का यह केंद्र एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि गली के जो बच्चे हैं, आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का लाभ मिलेगा, सभी समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे। हम मोहल्ले के लोगों से ये अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे कि बिहार सरकार ने ये जो योजना चलाई है उसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजें और इस परियोजना का लाभ उठाएं।